अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबका अपने एग्जाम में रखे। मैं इफ्तारी पे आई हूँ, इधर बहन की तरफ मैंने दर्जी को भी कपड़े देने थे, दर्जी ने तो मुझे इनकार कर दिया कपड़ों का, लेकिन मैंने कहा आपने लाजमी सिलाई करके देने मुझे। ओके ओके ठीक है, हाँ हाँ ये ओ अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है मैं बाद में दिखाती हूँ ना, बाद में दिखाती हूँ, क्योंकि उसने बोला कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं और बुकिंग जो है मैंने बंद कर दी है। मैंने कहा मुझे तो बुकिंग से कोई लेना देना नहीं है, आप मेरा सूट सिलाई करके देंगे। एक ही सूट, एक मेरे और एक बेटी का है। और बस अभी एक मिनट इफ्तारी का टाइम जो है अभी खैर रहता है, और फ्रूट चाट बनाने लगी अभी मैं, बाकी देखते हैं कि और क्या क्या बनाती हूँ। ठीक है, बस यहाँ इफ्तारी की तैयारी हो रही है, पकौड़े बन रहे हैं, और इधर आलू की चिप्स है जो पकौड़ों की तरह ही बनाते हैं, साथ एक एक दो रोटियां भी बन जाती हैं जिसने किसी ने लेनी हो, मर्द रोटी खा लेते हैं ना। और इधर ये रोल फ्राई करके रखे हैं, क्योंकि वहाँ किचन में फिर इफ्तारी के टाइम इतनी जगह नहीं होती है, ये पकोड़े बना के रखे हैं, अभी इनको रख देंगे दस्तरखान बिछा के, जैसे जैसे चीज़ें रेडी होती जाएंगी ना फिर इनको रखते जाएंगे साथ साथ। आ रही हूँ, राफिक अभी बीच में रोल है। और ये फ्रिज है, फ्रिज में दिखाती हूँ, ये दही भल्ले बना के रखे हुए हैं, नहीं सॉरी ये फ्रूट चाट है, ये बना के रखी भी थोड़ी ज़रा ठंडी हो जाए, गर्मी हो गई है अब। और ये दही भल्ले बना के रखे हुए हैं, जैसे फिर 2 या 3 मिनट रहेंगे तो फ्रिज से इन चीज़ों को निकाल लेंगे। यहाँ पे बस बर्तन लगाए हुए हैं, केचप रख दी है, खजूरें हैं, रायता है, बाकी चीज़ें अभी बाहर से ला के रख रहे हैं, क्योंकि दरवाजे खिड़कियाँ वगैरह सारी खुली हुई हैं और ठंडे हो जाती हैं जो भी फ्राई चीज़ें लगती हैं ना। और मैंने देने थे टेलर को कपड़े, वो मैंने श्लिंग करके इधर डाल रहे हैं, ये मेरा सूट है क्योंकि श्लिंग करने वाला था, इधर बेटी का है, दुपट्टे वो मैं पीको करवा लूँगी। बस इफ्तारी का टाइम होने वाला ही है, बहुत प्यारा सीन है इस टाइम ना। अच्छा इधर ना ये 2 सॉस पड़ी हैं जो कि बहुत मज़े की होती हैं, ये एक मैंगो की है, ये खट्टी मीठी और स्पाइसी होती है, ठीक है, और ये तो बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी होती है, मैंगो वाली मैं ले लेती हूँ, वो मुझे बहुत मज़े की लगती है ना, क्योंकि ये जितनी मीठी होती है ना उतनी ही ज़्यादा स्पाइसी भी होती हैं। जी तुम इधर क्या कर रहे हो? इधर देखो, तुम्हें पता है इफ्तारी का टाइम हो रहा है क्या? जी जी हर टाइम तुम्हें वेगनार की पड़ी रहती है। बस अभी इफ्तारी होने वाली, रोज़ा खुलने वाला है, ठीक है, मैं आवाज़ दूंगी फिर उधर आ जाना, ठीक है। हाँ जी मम्मी फोन में देखिए, चुप चुप दुआ मांगो, अभी सारे दुआ मांग रहे ना, दुआ का टाइम है, दुआ मांगो बस। दूध में बोतल डालने जो कि इस टाइम दूध सोडा बनाते हैं, दुआ मांगो राफी, हाथ ऊपर उठाओ, इधर देखो मम्मी की तरफ, इधर देखो, बोलो जाना मैं छोटा सा बच्चा हूँ, मैं सबके लिए दुआ करता हूँ, करता हूँ, करना हो, अजान होने लगी, अजान होने लगी। बस अभी जो है मैं घर वापस आ गई थी, और क्योंकि मुझे आटा भी गूंदना था, और टाइम जो है ना 9 से ऊपर हो गया, तो इफ्तारी के बाद एक वैसे ही 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसे होता है कि आपके जिस्म में जो है ना बिल्कुल जान नहीं है, तो रफ़ी नहीं करो प्लीज़। तो मैंने कहा अभी घर जाती हूँ आटा गूंदने, और इफ्तारी करके मैं 1 घंटा लेट गई थी ज़रा,
तो फिर मैंने कहा घर चलती हूँ, आटा गूंदना था। फिर क्या कहते हैं, छोटे मोटे और भी काम होते हैं घर में। घर आई हूँ क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन है तो थोड़ा सा गर्म जल्दी हो जाता है। आकर मैंने इसकी विंडो वगैरह खोली ताकि थोड़ी सी वेंटिलेशन हो जाए। वीडियो जो मैं अपनी ख़त्म करती हूँ, आटा गूंदूँगी पहले। और वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि ताकि इतनी भी समझ नहीं आ रही कि क्या बोलना है मुझे। और आप लोगों से लूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। दो में याद रखना।